वो क्रिकेटर जब कवर ड्राइव मारता है तो बॉलरों के होश उड़ जाते हैं। क्रिकेट के भगवान का लोग उसे दामाद कहकर बुलाते हैं। 10 रुपए की शर्त ने उसे दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बना दिया है। वह किसान का बेटा है और गांव से निकलकर दुनिया में धूम मचा रहा है। शुभमन गिल की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। चलिए आपको क्रिकेट के प्रिंस शुभमन गिल की कहानी सुनाते हैं। शुभमन गिल का पूरा परिवार खेती पर निर्भर था, लेकिन सारे खेत गांव में थे। पिता लखविंदर सिंह का सपना था कि उनका बेटा क्रिकेटर बने और दुनिया में नाम कमाए। यही वजह है कि बेटे शुभमन गिल के लिए उनके पापा चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गए। इसके बाद शुभमन गिल ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, लेकिन पिता चंडीगढ़ शिफ्ट हुए तो खेती पर असर पड़ा। एक बार शुभमन गिल ने बताया था कि वो अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकें, इसलिए उनके पिता चंडीगढ़ से गांव जाते और खेती करते, फिर उनके पास चंडीगढ़ वापस लौट आते, जिसकी वजह से मैं अपना प्रैक्टिस कर पाता। 8 सितंबर 1999 को पंजाब के फाजिल्का जिले के खेरेवाल गांव में जन्मे शुभमन गिल के पिता ने खेतों के बीच अपने बेटे की प्रैक्टिस के लिए मैदान तैयार करवाया था। पिता के शर्त की वजह से शुभमन गिल की बल्लेबाजी मजबूत होने लगी। दरअसल शुभमन गिल के पापा लोगों को चुनौती देते कि जो भी शुभमन गिल को आउट करेगा उसे 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मजेदार बात तो यह है कि शुभमन गिल को जल्दी कोई आउट नहीं कर पाता। पिता के चैलेंज की वजह से शुभमन गिल की बल्लेबाजी भी काफी इम्प्रूव हुई। आज शुभमन गिल दुनिया के गेंदबाजों के लिए काल बन रहे, तो उसमें टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रहे युवराज सिंह ने खूब मदद की थी। दरअसल जब शुभमन गिल पंजाब के लिए घरेलू क्रिकेट खेल रहे थे तो युवराज सिंह और हरभजन सिंह ने उनकी काफी मदद की। शुभमन गिल युवराज सिंह को अपना मेंटर मानते हैं। शुभमन गिल ने बताया था कि लॉकडाउन के वक्त युवराज सिंह ने उनकी काफी मदद की थी। लॉकडाउन के वक्त गिल युवराज सिंह के साथ प्रैक्टिस करते, जिम और ट्रेनिंग करते, जिसकी वजह से उन्हें काफी मदद मिली। शुभमन गिल को दुनिया का शानदार बल्लेबाज बनाने में गुजराती कोच कसरन घावरी की बड़ी भूमिका मानी जाती है। अगर पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज कसरन घावरी का ध्यान गिल पर न पड़ा होता तो शायद गिल को इतनी जल्दी भारत के लिए खेलने का मौका नहीं मिल पाता, या कौन जाने मौका ही नहीं मिलता। हमने अमोल मजुमदार जैसे कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को देखा है जो कभी भारतीय टीम के लिए नहीं खेल पाए। यह एक दशक पहले की बात है जब कसरन घावरी मोहाली में देश की नई पीढ़ियों के तेज गेंदबाजों को तैयार कर रहे थे, लेकिन मोहाली में अंडर 19 कैंप के दौरान उनके पास अच्छे बल्लेबाज नहीं थे। बल्लेबाज कम होने की वजह से उन्होंने पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन से और बल्लेबाज भेजने के लिए कहा। एक दिन उन्होंने शुभमन गिल को बैटिंग करते हुए देखा। 12 साल के शुभमन गिल की बैटिंग देखकर कसरन घावरी मुरीद हो गए। कसरन के मुताबिक 12 साल का शुभमन गिल इतना अच्छा खेल रहा था कि मैं खुद को रोक नहीं सका और मैंने बाहर खड़े एक आदमी से पूछा कि यह लड़का कौन है। उन्होंने कहा, मेरा ही बेटा है। मैंने कहा, कल से उसे ट्रेनिंग के लिए मेरे पास भेजना और फिर कभी उसे टेनिस बॉल पर खेलने मत देना। मेरे अनुरोध पर वे अगले दिन शुभमन को ले आए और फिर शुभमन हमारे साथ इस तरह घुल मिल गया कि सभी को लगा कि वह हमारे ग्रुप का ही लड़का है। उन्होंने एक महीने तक अंडर 16 और एक महीने तक अंडर 19 खेला। उनकी तकनीक कम उम्र से ही ठोस थी। महज 23 साल की उम्र में शुभमन गिल अपने स्टाइलिश बल्लेबाजी के अलावा अपने लुक्स को लेकर भी खूब चर्चा में रहते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी खूब फैन फॉलोइंग है। युवा फैंस भी उनके दीवाने हैं। छोटे से करियर में ही शुभमन गिल के कुछ अफेयर्स की भी चर्चा होती रही है। भारतीय क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर के साथ अफेयर को लेकर कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर होती रहती हैं। सारा और शुभमन गिल को लेकर फैंस खूब बातें करते हैं। यहाँ तक कि स्टेडियम में भी फैंस शुभमन गिल को सारा तेंदुलकर का नाम लेकर चढ़ाते रहे। हालांकि दोनों की ओर से कभी भी इसको लेकर कोई बात नहीं कही गई है। सिर्फ सारा तेंदुलकर ही नहीं, हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान के साथ भी शुभमन गिल का नाम जोड़ा गया था।